नमस्कार, आप देख रहे हैं आईबीएन भारत और मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता। कोविड 19 महामारी के चलते मार्च के बाद से कोई इंटरनेशनल क्रिकेट मैच नहीं खेला जा सका। लगभग पूरी दुनिया में इस महामारी का कहर देखने को मिला है। 117 दिन के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट की आज वापसी होने जा रही है। इंग्लैंड और वेस्टइंडीज के बीच साउथहैम्पटन के द एसेज बाउल स्टेडियम पर 3 मैचों की सीरीज का पहला टेस्ट मैच आज शुरू होने जा रहा है। दुनिया भर के क्रिकेट फैंस इस टेस्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। कोविड 19 के चलते आईसीसी ने नियम में भी कुछ बदलाव किए हैं। गेंदबाज गेंद पर लार का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। कोविड 19 महामारी को देखते हुए यह नया नियम बनाया गया। अगर कोई गेंदबाज ऐसा करता है तो उसे अंपायर से चेतावनी मिलेगी। 2 बार चेतावनी देने के बाद अगर ऐसा होता है तो विरोधी टीम को 5 रन दिए जाएंगे। अंपायर इस बात का फैसला लेंगे कि गेंदबाज ने ऐसा जानबूझकर किया है या फिर उसे यह अनजाने में हुआ है। अगली गेंद डालने से पहले बाल को सैनिटाइज करने की जिम्मेदारी भी अंपायर की होगी। मैच के दौरान अगर किसी खिलाड़ी में कोविड 19 के लक्षण नजर आते हैं तो उसका सब्स्टिट्यूट टीम को मिल सकता है। जैसे सिर में चोट लगने के बाद टीम को सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी मिल जाता है। इस मैच में स्थानीय अंपायरों का इस्तेमाल होगा। ट्रेवल बैन होने के नाते ऐसा फैसला लिया गया है। टीमों को हर पारी में एक्स्ट्रा DRDS भी मिलेगा। कोविड 19 के चलते यह फैसला लिया गया है। मैच को खाली स्टेडियम में कराया जाएगा। खिलाड़ियों को इस मैच के दौरान बस कोहनी टच करने की इजाजत होगी। विकेट का जश्न अब खिलाड़ी हाथ मिलाकर या हाई फाई के साथ नहीं मना सकेंगे। ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल आईबीएन भारत के साथ। नमस्कार।